जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आज की एक नई वीडियो में। स्टूडेंट जितने लोग 2025 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए वीडियो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में उनके लिए क्लास टेंथ संस्कृत का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूँ। जी हाँ दोस्तों, आपके पेपर में 100% ऐसा ही एकदम क्वेश्चन पेपर आएगा जिस पैटर्न में ये पेपर बना है, सेम टू सेम इसी पैटर्न में आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो संस्कृत का पेपर है, समय देखिए 3 घंटे 15 मिनट दिए गए हैं, पूर्णांक यहाँ पे 70 दिया गया है। ठीक है, और इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन मैं आज की इस वीडियो में कराऊंगा, एक एक प्रश्न को आप सभी के सामने लाइव हल कराऊंगा, लिख लिख करके बताऊंगा कि अगर ऐसा पेपर आपके एग्जाम में आता है तो कैसे उसे हल करना है और कितना किस प्रश्न का आंसर लिखने पर आपको पूरे अंक मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो को आप अच्छे से देख लेते हैं तो अगर ये पेपर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसे 2 से 2.5 घंटे में ही फिनिश कर देंगे, है ना। चलिए शुरू करते हैं, इससे पहले निर्देश पढ़ लेते हैं। देखिए दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी 15 मिनट केवल आपको पेपर पढ़ना है। दूसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है, यानी 2 पार्ट में बटा है, पार्ट 1 और पार्ट 2। उसके बाद देखिए खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देना है। चौथा निर्देश है, OMR शीट पर उत्तर देने के बाद उसमें काट पीट नहीं करना है तथा इरेजर एवं व्हाइटनर का उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। अगला है, खंड बा में वर्णनात्मक प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न अनिवार्य है। इतने निर्देश हैं। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चंस को देखते हैं और एक एक प्रश्न को हल करते हैं और आपको दिखाते हैं कि कैसा इस बार आपका संस्कृत का पेपर आने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हो खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है, जिसमें आपका पहला प्रश्न है, देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और उत्तर का चयन कीजिए, यानी नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़ना है और हमें क्वेश्चंस का आंसर निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हो एवं एव देशांतरातपि बहवः पक्षिणो अत्रागत्य प्रवासं कुर्वन्ति, रूस प्रदेशस्य साइबेरिया प्रांतात् सहस्रो विहगाः शीतकाले भारतस्य भारतपुरे निकटस्थे घना पक्षी विहारं प्रयाग स्थितं गंगा यमुना संगमे च आगच्छन्ति। ठीक है, आप लोग इसको पढ़े होंगे तो जानते होंगे ये किस चैप्टर का गद्यांश है। ये चैप्टर है दोस्तों जीवनम निहितम वने का लिया गया है। किस चैप्टर का? जीवनम निहितम वने। ठीक है, तो आप लोग चैप्टर पढ़े होंगे तभी जान पाएंगे, अन्यथा नहीं जान पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न है, उक्त गद्यांशस्य शीर्षकः अस्ति, यानी उपर्युक्त गद्यांश का शीर्षक क्या है। तो दोस्तों ये जीवनम निहितम वने से लिया गया है। आप लोगों का पहला प्रश्न ऐसा ही एकदम आएगा। ठीक है, वहाँ पे गद्यांश कोई दूसरा भी आपके पेपर में दे सकता है, कोई दूसरा गद्यांश आ जाएगा और उसके पाठ का नाम आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, है ना। तो ये जीवनम निहितम वने का है। उसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पे, देखते हैं पेज पलटते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे दिया गया है, साइबेरिया प्रांत कस्मिन देशे विद्यते, मतलब साइबेरिया प्रांत किस देश में है। तो इसका आंसर आप गद्यांश में ही ढूंढ लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें गद्यांश से आंसर देना है। तो देखिए गद्यांश को पढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए लिखा गया है, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो देखिए लिखा गया है रूस प्रदेशस्य साइबेरिया प्रांतात, मतलब किस देश में है ये, रूस देश में है। तो यहाँ पे देखें कहाँ है रूस, ये है पहला, तो रूस देश से इसी में आपको टिक करना है। यानी शुरू के 2 क्वेश्चन आपको गद्यांश से हल करने हैं, उसके बाद के क्वेश्चंस को हल करने के लिए आपको फिर अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। तीसरा प्रश्न है, रविन्द्रनाथस्य जन्म कुत्र अभवत, मतलब रविन्द्रनाथ का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था दोस्तों कलिकाता नगरी, मतलब कलकत्ता नगर में। अगला है, कस्य बुद्धि चलती, मतलब किसकी बुद्धि चलती है, तो सक्तस्य। ठीक है, अब ये कहाँ से आए हैं प्रश्न, ये आए हैं आपके पद्य पीयूषम से। श्लोक आप लोग पढ़े होंगे चैप्टर तो जानते होंगे ये उन्हीं श्लोकों से लिए गए प्रश्न हैं। श्लोकों से 3-4 MCQ आपके बनेंगे, तो सक्तस्य इसका सही है। दूसरा है, धीमताम कालो गच्छति, धीमताम कालो गच्छति कैसे, यानी बुद्धिमान लोगों का समय कैसे बीतता है। काव्य शास्त्र विनोदेन, मतलब काव्यों और शास्त्रों के वार्तालाप में बुद्धिमानों का समय बीतता है, सोने में नहीं बीतता, ना तो लड़ाई झगड़े में बीतता है, ना तो बुरी बातों में बीतता है, उनका समय केवल बीतता है काव्य और शास्त्रों के वार्तालाप में। देखिए छठवां प्रश्न है, श्रद्धावान किम लभते, तो श्रद्धावान लभते ज्ञानम, आप लोग इस श्लोक पढ़े होंगे, तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन बी सही होगा, बाकी सारे गलत हैं। अब ये इस श्लोक पढ़े होंगे तभी कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। देखिए, कस्य मार्गः नास्ति, मतलब किसका मार्ग नहीं है, तो आरोगस्य। ठीक है, ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। अब देखते हैं आपका आठवां प्रश्न है, सुपारगः कः आसीत, मतलब सुपारक कौन था, तो इसका करेक्ट आंसर होगा नौसारथी, मतलब एक नाविक था। सुपारक कौन था, एक नाविक था, तो ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है। अगला देखिएगा, आफताबः,
कस्य पाठस्य पात्रः अस्ति, मतलब आफताब किस पाठ का पात्र है। तो आफताब जो है दोस्तों ये वयम भारती यह पाठ का पात्र है। किस पाठ का? वयम भारती यह पाठ का, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, रमानाथाय रक्तम अददात, मतलब रमानाथ को खून किसने दिया, ठीक है ना, यानी रमानाथ को खून किसने दिया, ब्लड किसने दिया। तो यहाँ पे पहला देखें तो रंभा नहीं है, चपला भी नहीं है, बिमला भी नहीं है, सुमेधा इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला है एच प्रत्याहार के वर्ण हैं, तो देखिए एओंग, महेश्वर सूत्र आपको याद होगा तो जानते होंगे, एओंग ऐ औच, ठीक है, एओंग ऐ औच। तो यहाँ से ए को छोड़ दो, यहाँ से देखिए यहाँ पे ये वाला चा को छोड़ना है और ए को जोड़े रहना है, तो ए ओ और लास्ट वाला छोड़ दो, आई आओ, ए ओ आई आओ, ठीक है, यानी ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है। देखते हैं 12वां प्रश्न है, टा का उच्चारण स्थान क्या है, तो सूत्र पढ़े होंगे आप ऋतु रसाणाम मूर्धा, है ना, ऋतु रसाणाम मूर्धा। तो यहाँ पे देखिएगा टा वर्ग पूरा जो है कहाँ जाएगा, मूर्धा में जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा। अगला है त्वम पठ में संधि कौन सी है, त्वम पठ में अनुस्वार संधि है, ठीक है, ऑप्शन डी आपका सही है। अगला प्रश्न है संकल्प का संधि विच्छेद क्या होगा, तो संकल्प का संधि विच्छेद होगा सद प्लस कल्पः, ठीक है, तब जाके संकल्प बनेगा, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अगला देखते हैं 15वां प्रश्न आप सभी के सामने है, भगवते पद किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, भगवते पद, तो ये चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है, तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट है, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति एक वचन का। देखिए जो आपके सिलेबस में शब्द रूप दिए गए हैं उनको तैयार कर लो, नहीं तो ऐसे ही MCQ आपके छूटेंगे। देखिए सरित पद का तृतीय विभक्ति एक वचन का रूप क्या है, सरित पद का, है ना, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सरिता, ऑप्शन बी आपका सही है, सरिता। अगला देखते हैं दोस्तों, नस्यथ रूप किस लकार का है, तो आप लोग जानते हैं ये लट लकार का ही रूप है, पहले वाले लकार का ही, है ना, यानी ऑप्शन सी आपका एकदम करेक्ट है, ठीक है, नस्यथ, नस्यथ। अगला देखिएगा दोस्तों, अगला प्रश्न है आप सभी के सामने, पाश्यसी धातु रूप किस लकार का है, पाश्यसी, पहला ऑप्शन है लिट लकार, दूसरा है लट लकार। आगे देखते हैं और विकल्प क्या दिए गए हैं, अगला विकल्प है लोट लकार और चौथा है लंग लकार, तो इसका करेक्ट आंसर होगा लट लकार, ठीक है, लट लकार। यहाँ पे देखते हैं कहाँ पे दिया गया है, तो लट लकार यहाँ पे देखें तो नहीं दिया गया है ना, ये वाला है, तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा, पाश्यसी दिया गया है दोस्तों, पाश्यसी, तो दोस्तों ये पाश्यसी है, तो इसका मतलब ये लिट लकार होगा, माफ़ करना, ठीक है, ये लट लकार नहीं होगा, इसमें नहीं लगाना है, ये लिट लकार में होगा, ठीक है, ऑप्शन ए आपका एकदम करेक्ट है इसका, ठीक है, आंसर नंबर वन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं अगला प्रश्न, 19वां प्रश्न है, प्रत्येकम में समास कौन सा है, तो प्रत्येकम में दोस्तों अव्ययी भाव समास है, ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगला है नीलकंठा का समास विग्रह है, तो नीला कंठा यस्य सः, नीला कंठा यस्य सः, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। अब देखते हैं खंडवा, आप सभी का वर्णनात्मक प्रश्न आता है और इसको मैं लिख लिख करके हल कराऊंगा, कैसे आपको एग्जाम में लिखना है, MCQ तो आपको OMR में भरना है, वो हर बच्चा कर लेता है, ठीक है। अब वर्णनात्मक कैसे करना है ये मैं आपको, चलिए नोट्स भी ले लेता हूँ ताकि आपको समझाता जाऊँ एक चीज़। यहाँ पे देखिए दिया है निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश का हिंदी में आपको अनुवाद करना है, कहाँ पर हिंदी में, तो देखिए दो दिए गए हैं, अब एक का करना है, तो मैं आपको दोनों को बताऊँगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन मैंने लिख दिया है, प्रश्नोत्तर संख्या सबसे पहले 21वें का का डालेंगे, अगर पहला वाला कर रहे हैं तो, अगर दूसरा कर रहे हैं तो 21वें का खा डालेंगे, तो हम सबसे पहले डाल रहे हैं प्रश्नोत्तर संख्या 21वें का, ठीक है, 21वें का डाल दिए हैं। अब उसके बाद यहाँ पे देखो दिया गया है, वस्तुतः कालिदासा मूर्ध्यन्नतमा भारतीय कबीरस्ती, तो सबसे पहले हमें संदर्भ भी लिखना है, क्योंकि यहाँ पे देखिए गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करना है, तो ये 5 अंक का आएगा, तो इसमें संदर्भ भी आपको लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे संदर्भ लिखेंगे, देखिए संदर्भ लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित कवि कुलगुरु कालिदास नामक पाठ से अवतरित है, इतना आपको लिखना है बेसिक। उसके बाद अगला है, अब हमें क्या लिखना है, हिंदी अनुवाद, हिंदी अनुवाद यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, और देखिए वास्तव में कालिदास मूर्ध्यन्न भारतीय कवि हैं, तो लिखेंगे वास्तव में कालिदास श्रेष्ठ भारतीय कवि हैं। उसके बाद एक तस्तस्य, एक तस्तस्य मतलब एक और तस्य माने उनकी कृति माने रचनाओं में काव्य उचित गुणा नाम, मतलब काव्य के उचित गुणों का समाहार दिखाई देता है, यानी एक और तो उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समाहार दिखाई देता है, तो इसको कैसे लिखेंगे, देखिए लिखेंगे एक और उनकी रचनाओं में काव्य के उचित गुणों का समाहार दिखाई देता है, तो दूसरी ओर क्या है, अपरतस्य माने दूसरी ओर भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता उसमें सुशोभित होती है, ठीक है, तो इसको भी लिखेंगे, तो दूसरी ओर उनमें भारतीय जीवन पद्धति की सर्वांगीणता सुशोभित है। उसके बाद
काव्य की उत्कृष्टता की दृष्टि से उनका काव्य जो है मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों के इंद्रधनुष, किसी भी सहृदय के मन को अपहरित कर लेने में पार्यति मन सक्षम है। तो इसको लिखेंगे दोस्तों कि काव्य उत्कर्ष की दृष्टि से उनके काव्य में मानव मन की सूक्ष्म अनुभूतियों का इंद्रधनुष जो है वो किसी भी सहृदय के चित्त को मोहित कर लेने में सक्षम है। ठीक है, उसके बाद प्रकृति रपि माने प्रकृति भी स्वजड़त्वम माने अपनी जड़ता को बिहाय माने छोड़ करके सर्वत्र माने सभी जगह मानव सहचरी की भांति आचरण करती है। तो इसको लिखेंगे प्रकृति भी अपनी जड़ता को छोड़कर सभी जगह मनुष्य के सहचरी की भांति आचरण करती है, ऐसे आपको लिखना है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं खा वाला। तो इसको करेंगे तो प्रश्नोत्तर संख्या 21 का खा आप लोग यहाँ पे डाल देंगे, इतना ध्यान देना है 21 का खा आपको यहाँ पे डालना है, उसके बाद ही इसको करना है। तो यहाँ पे देखें कदाचित माने कभी कभी एवं अपि माने ऐसा वैसा देखा जाता है कि समाज में प्रचलित रीति रिवाज सभी के लिए एक हितकारी नहीं होती है। तो इसको लिखेंगे, सबसे पहले इसको लिखने से पहले हमें इसका संदर्भ लिखना पड़ेगा। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत गद्य भारती में संकलित नैतिक मूल्यानी नामक पाठ से अवतरित है, इतना आपको बताना है। उसके बाद कभी कभी ऐसा देखा गया है कि समाज में प्रचलित रीति रिवाज सबके लिए लाभदायक नहीं होते हैं। तो इसको लिखेंगे कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि समाज में प्रचलित रीति रिवाज सबके लिए हितकारी नहीं होता है। तो क्या होता है, अतः श्रेष्ठ लोग श्रेष्ठ विद्वान उस रीति रिवाज का विरोध भी करते हैं। तो इसको लिखेंगे अतः विद्वान लोग उन रीति रिवाजों का विरोध भी करते हैं। उसके बाद परंतु वे लोग उसके आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित करते हैं जो कुछ समय बाद समाज के लिए हितकारी हो जाता है, परंतु वास्तव में जो नैतिक मूल्य होते हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, यथा माने जैसे सनातन धर्म नहीं बदलता है वैसे ही नैतिक मूल्य भी स्थिर हैं। तो चलिए इसको भी पूरा लिख करके आपको दिखाते हैं, ऐसे ही आपको लिखना है दोस्तों। परंतु वे उनके आचरण के व्यवहार में नवीन आदर्श स्थापित करते हैं जो कालांतर में समाज के लिए हितकारी होता है, परंतु जो वास्तविक नैतिक मूल्य हैं उनमें परिवर्तन नहीं होता है। जैसे सनातन धर्म परिवर्तित नहीं होता वैसे ही नैतिक मूल्य भी स्थिर हैं, इतना आपको लिखना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देखते हैं अगला। अगला रहेगा दोस्तों सारांश, निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का सारांश आपको लिखना पड़ेगा, हिंदी में लिखना पड़ेगा संस्कृत में नहीं। तो तीन दिए गए हैं, किसी एक पर आप तैयार कर लें, नैतिक मूल्यानी और कवि कुलगुरु दोनों को तैयार कर लें, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोनों। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोनों, इसलिए आपको दोनों तैयार करने हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। हाँ मैं थोड़ा ब्राइटनेस कम कर दूँ, हाँ तो इसको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा अन्यथा मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, बाकी सब प्रश्न मैं हल कराऊंगा। सारांश और चरित्र चित्रण दो चीज़ मैं नहीं बताऊंगा, इन पर ऑलरेडी मैंने स्पेशल वीडियो बना रखी है, आप लोग जाकर के उसको देख लीजिए, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं दोस्तों 23वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी में आपको व्याख्या करना है, किसी एक श्लोक का। जैसे पहला दिया गया है यो दुर्लभ तरम प्राप्य मानुषम द्विषते न रहा, ठीक है, धर्मावमनंता काम आत्मा भवेत सा खलु मन यंचते, ठीक है, भवेत सा खलु यंचते, यहाँ तक है आपका। चलिए इसको कैसे लिखेंगे इसका हिंदी में व्याख्या मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 23 का आप लोग डाल लेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 23 का, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखें तो ये 23वां प्रश्न है, 23वें का है ना, तो 23वें का लिखेंगे। और उसके बाद देखिए यो दुर्लभतरम माने दूसरी जातियों से दुर्लभ तरीके से प्राप्त होने वाली मनुष्य की योनि में जन्म लेकर के जो मनुष्य व्यक्तियों के साथ द्विषते माने द्वेष करता है प्राणियों के साथ, वो क्या होता है, धर्म अवंता, निधर्म को ना मानने वाला होता है, धर्म का अनादर करने वाला होता है, और भवेत काम आत्मा मतलब या लिख दो इसको कि वासनाओं में आसक्ति रखने वाला काम आत्मा, काम से युक्त व्यक्ति होता है, और खलु मन्यते का मतलब होता है कि वह अपने आप को ही धोखा देता है, स्वयं को ही यंचते माने धोखा देता है। तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, इसको आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या 23 का हेडिंग डाल लेंगे, प्रश्नोत्तर संख्या 23 का ऐसे ही एक तरफ लिखेंगे यो दुर्लभतरम, दूसरी तरफ खलु यंचते, यानी एक तरफ शुरू के दो शब्द, दूसरी तरफ अंतिम के दो शब्द, फिर डैश डैश करेंगे, संदर्भ लिखेंगे पहले प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में संकलित क्षांति सौख्यम नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद हिंदी व्याख्या हेडिंग डालेंगे, श्लोक की हिंदी व्याख्या, और यहाँ पर मैं अभी आपको बताया हूँ
है ना, तो उसी को लिखेंगे कि जो मनुष्य अन्य जन्मों से अधिक दुर्लभ मनुष्य जन्म को पा करके प्राणियों से द्वेष करता है वह धर्म का अनादर करने वाला और वासनाओं में आसक्ति रखने वाला होता है, ठीक है, और वह अपने आप को ही धोखा देता है। इतना आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दोस्तों 23वां प्रश्न आप सभी के सामने। यहाँ पे 24वां प्रश्न है, यह खा वाला भी दिया गया है, इसको भी चलो देख लेते हैं। लक्ष्मीर नया चक दुख हारणी, विद्या नया अपच्युत भक्ति कारणी, पुत्रो नया पंडित मंडलाग्रढ़ी, सा नयो, ठीक है ना। यानी यहाँ पे ये लिखा गया है कि वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो याचकों के दुख को हरण न कर ले, अर्थात वह लक्ष्मी लक्ष्मी नहीं है जो मांगने वालों के दुख को हरण न कर ले, और वह विद्या विद्या नहीं है जो भगवान विष्णु के प्रति हमारे अंदर भक्ति न उत्पन्न कर दे, यानी भगवान विष्णु की भक्ति का कारण जो विद्या न बने वो विद्या नहीं है, और वह पुत्र पुत्र नहीं है जो पंडितों के मंडल में अर्थात विद्वानों की सभा में सबसे आगे ना रहे, है ना। सा नयो, मतलब वह नहीं है, ये चीज़ लिखा गया है। तो चलिए आप लोग चैप्टर ज़रूर पढ़े होंगे भाई, देखिए क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ नहीं कर सकता मैं, आपको केवल लिखना और हल करना बता रहा हूँ और पेपर दिखा रहा हूँ, इंपॉर्टेंट पेपर है। तो प्रश्नोत्तर संख्या 23 का खा आप लोग डालेंगे और लिखेंगे लक्ष्मीर ने याचक और सा नयो दूसरी तरफ, संदर्भ डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत पद्य पीयूषम में संकलित सूक्ति सुधा नामक पाठ से लिया गया है, ठीक है। उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे जो लक्ष्मी याचकों के दुखों को दूर करने वाली नहीं है वह लक्ष्मी नहीं है, जो विद्या भगवान विष्णु के प्रति भक्ति उत्पन्न करने वाली नहीं है वह विद्या नहीं है, जो पुत्र पंडितों यानी विद्वानों के समूह में आगे रहने वाला अर्थात श्रेष्ठ नहीं है वह पुत्र नहीं है। बस इतना आपको लिखना है, ऐसे दो में से एक करना है दोस्तों, दोनों नहीं करने हैं, ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है निम्नलिखित सूक्तियों में से किसी एक सूक्ति की हिंदी में आपको व्याख्या करना है। पहला है छीअन्ते खलु भूषणानी सततम वाग भूषणम भूषणम, यानी कि ये लिखा गया है कि सारे आभूषण नष्ट हो जाते हैं परंतु हमेशा जो बना रहता है एक, वह मात्र एक ऐसा ही आभूषण है वाग भूषणम, यानी वाणी रूपी आभूषण ही हमेशा व्यक्ति के साथ जाता है, बाकी सारे आभूषण उसके नष्ट हो जाते हैं। तो 24वें का अभी हम लिख रहे हैं, करना तीनों में से एक को ही है लेकिन मैं तीनों कराऊंगा। तो 24वें का देखिए लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 24वां का और डालेंगे संदर्भ प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड में संकलित सूक्ति सुधा नामक पाठ से अवतरित है, ऐसे आपको लिखना है संदर्भ। उसके बाद सूक्ति का अर्थ भी लिखना चाहिए एग्जाम में ताकि आपको पूरे अंक मिले। तो अर्थ में लिखेंगे सभी आभूषण धीरे धीरे समाप्त तो हो जाते हैं, सच्चा आभूषण वाणी ही है, ठीक है, एकमात्र वाणी ही सच्चा आभूषण है। उसके बाद देखते हैं तो व्याख्या में लिखेंगे दोस्तों, इसी को थोड़ा डीप में लिखेंगे, जैसे देखिए मनुष्य अपने सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अनेक प्रकार के आभूषणों और सुगंधित द्रव्यों का उपयोग करता है, द्रव्यों माने पदार्थ कह लो, ठीक है। उसके बाद ये आभूषण और सुगंधित द्रव्य तो नष्ट हो जाने वाले हैं, ये छीअन्ते हैं मतलब नष्ट हो जाएंगे, नश्वर हैं, मनुष्य की संस्कारित मधुर वाणी सदा उसे आभूषित करती है, यानी अगर किसी व्यक्ति की मीठी वाणी है तो वो उसका आभूषण है, भले ही वो कोई आभूषण नहीं पहने वो मायने नहीं रखता, क्योंकि वह सदा मनुष्य के साथ रहती है, वह कभी नष्ट नहीं होती, उसका प्रभाव मनुष्य के मरने के बाद भी बना रहता है। लोग कहते हैं कि यार बहुत अच्छा आदमी था, मीठी वाणी बोलता था, जब भी मिलता था बेचारा हंस के बोलता था, है ना, यानी वाणी हमेशा जिंदा रहती है। देखिए पादई है पिबति पादपः, इसका मतलब ये है कि पौधे जो हैं वो पैरों से पानी पीते हैं। तो इस सूक्ति का हिंदी अनुवाद या कह लो हिंदी व्याख्या कैसे लिखेंगे, तो आप सभी को 24 का खा हेडिंग डालना है, ठीक है, 24 का खा और संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड में संकलित वृक्षाणाम चेतनत्वम, यहाँ पे हलंत लगा लेना, चेतनत्वम नामक पाठ से अवतरित है। अर्थ में लिखेंगे जैसे पवन यानी हवा से या वायु से युक्त होकर के वृक्ष जड़ों से जल पीते हैं, लिखा गया है कि पवन से युक्त होकर के यानी हवा से युक्त होकर के वृक्ष जो हैं वो जड़ों से जल पीते हैं। ये अब इसको व्याख्या में लिखेंगे दोस्तों कि जीवधारी जो हैं वायु के सहयोग से, ठीक है, वायु के सहयोग से चूषण पद्धति द्वारा जल आदि पेय पदार्थों को ग्रहण करते हैं, यानी अपनी जड़ों से वो पानी को खींचते हैं ऊपर तक, और लिखेंगे यह क्रिया जीवधारियों में पाई जाती है। वृक्ष भी इस पद्धति के द्वारा वायु के योग से अपनी जड़ों द्वारा पृथ्वी से जल चूसकर अपना पोषण करते हैं, अतः उनमें भी जीवन है।
जिस प्रकार कमल अपनी नाल से पानी को ऊपर खींचता है, उसी प्रकार वृक्ष वायु की सहायता से अपनी जड़ों द्वारा पानी पीकर वृक्ष की शाखाओं तक ले जाते हैं। ये इस सूक्ति का अर्थ है। हालांकि ये इतनी इम्पोर्टेंट सूक्ति नहीं है, मैं जितनी भी महत्वपूर्ण सूक्ति है एक वीडियो स्पेशल उस पर बनी हुई है, चैनल पर जा करके देख लीजिए। एकाकी चिंतयानो ही परम श्रेयो अधिगच्छति। एकाकी चिंतयानो हो मतलब यह कह लो एकल व्यक्ति जो अकेले रहता है वही परम श्रेष्ठता को प्राप्त होता है, यही चीज़ इस सूक्ति में लिखा गया है। तो इसको देखिए, आप लोग 24वें का गा डालेंगे, 24वें का गा, और लिखेंगे प्रस्तुत सूक्ति हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत के पद्य खंड में संकलित विद्यार्थी चर्या नामक पाठ से अवतरित है। व्याख्या अर्थ लिखेंगे, अकेले चिंतन करने वाला मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त करता है। एकाकी चिंतयानो ही मतलब अकेले चिंतन करने वाला ही मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त करता है। व्याख्या में लिखेंगे, इस सूक्ति में एकांत के महत्व को बताया गया है। एकांत में अकेला होते हुए सदा अपने हित के विषय में विचार करना चाहिए, क्योंकि अकेले ही चिंतन करने वाला मनुष्य परम कल्याण को प्राप्त करता है। तात्पर्य यह है कि आत्मकल्याण के इच्छुक व्यक्ति को एकांत में यह सोचना चाहिए कि उसका हित किस में है, यानी किस चीज़ को करने में उसका लाभ है। व्यक्ति को अकेले रहने पर यह चीज़ सोचना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं 25वां दिया गया है। निम्नलिखित में से किसी एक श्लोक का संस्कृत में आपको अर्थ लिखना है। ठीक है, संस्कृत में आपको अर्थ लिखना पड़ता है, तो आप लिख सकते हैं इसको। इसको मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा दोस्तों, अन्यथा मेरी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। देखिए यहाँ पे, ये क्रोधम सन्निक्षयन्ति क्रुद्धान संस्मयन्ति च न कुप्यन्ति च भूतानां दुर्गान्यन्ति तरन्तिता तरन्तिते। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा, यानी जो लोग क्रोध को वश में रखते हैं, यही सब चीज़ें हैं। छांति सौख्यम चैप्टर से ये लिया गया है, और ये वाला आपका सूक्ति सुधा चैप्टर से लिया गया। पृथिव्याम त्रीणी रत्नानी जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ई पाषाण खंडेशु रत्न संज्ञा विधीयते। देखिए, अगर दोनों में से कोई भी आपको नहीं आता है तो एक ट्रिक है इसकी, मैं आप स्पेशल बनाया हूँ इस पर वीडियो, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा बहुत हिंट दे देता हूँ। देखिए, आपको अगर एग्जाम में ये संस्कृत का संस्कृत में ही अर्थ लिखने वाला ना आए ना, तो आपको क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले संस्कृत में अर्थ हेडिंग डालना है, और उसके बाद जैसे त्रीणी रत्नानी है तो इसको इधर कर दो, पृथिव्याम को उधर कर दो, सुभाषितम को इधर कर दो, जलमन्नम को उधर कर दो, मूढ़ई को इधर कर दो, रत्न संज्ञा को पहले कर दो। यानी ये कह लो दोस्तों कि सारे शब्दों को इधर उधर करके आपको आंसर में लिख देना है। सच बता रहा हूँ दोस्तों, ये 5 अंक का आपके पेपर में आएगा तो 3 अंक आपको तो मिल ही जाएंगे, और छोड़ दोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको कुछ नहीं करना, बस संस्कृत में अर्थ हेडिंग डालना है और लिखना है कि रत्नानी त्रीणी जलम अन्नम पृथिव्याम, ऐसे लिख दो। उसके बाद मूढ़ई रत्न संज्ञा विधीयते पाषाण खंडेशु, ठीक है, सुभाषितम पृथिव्याम, बस ऐसे आपको इधर उधर करके लिख देना है। गारंटी के साथ कहता हूँ 2-3 अंक आपको मिल जाएंगे, क्योंकि संस्कृत में दोस्तों कोई नियम नहीं है कि पहले कर्ता आएगा, फिर क्रिया आएगा, फिर ये आएगा, फिर वो आएगा। संस्कृत में कोई भी वाक्य आप इधर उधर पलट के आसानी से पढ़ सकते हैं, उसमें कोई त्रुटि नहीं होती है। ये आप संस्कृत कक्षा 10 के संस्कृत भाषा या महत्वम चैप्टर में पढ़े होंगे। देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक पात्र का चरित्रचित्रण आपको हिंदी में लिखना है। यौतुकम पाप संचय पाठ के आधार पर विनय का, और वयम भारती यह पाठ के आधार पर पीटर का, और भोजस्य शल्य चिकित्सा पाठ के आधार पर भोज का। इनमें से जितने इंपॉर्टेंट चरित्रचित्रण है, स्पेशल वीडियो बनी हुई है, जाकर के सर्च कीजिए कक्षा 10 महत्वपूर्ण चरित्रचित्रण बाय लर्न विथ हार्पी, मेरा वीडियो आएगा उसको देख लीजिए। ठीक है, अब देखिए खा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको संस्कृत में लिखना है। पहला है, मोहनदासस्य मातुः नाम किम आसीत, यानी गांधी जी की माता का नाम क्या था। ठीक है, तो आप लोग लिख देंगे मोहनदासस्य मातुः नाम पुतली बाई आसीत। क्या नाम था? पुतली बाई आसीत, पुतली बाई आसीत। इसको प्रश्न से ही बना लेंगे, मोहनदासस्य मातुः नाम किम की जगह पे पुतली बाई आसीत लिख दो, हो गया। अगला है, शंख चूड़ा कह आसीत, तो शंख चूड़ा एकह नागह आसीत। अब देखिए दोस्तों, इसमें लिख देंगे शंख चूड़ा एकह नागह आसीत। ठीक है, अगला प्रश्न है, कथा सरित सागरस्य रचयिता कह, तो कथा सरित सागरस्य रचयिता सोमदेवः, सोमदेवः अस्ति। ठीक, ऐसे आप लोग लिख देंगे सोमदेव। सोमदेव जो है वो कथा सरित सागर के रचयिता हैं। अब देखिए यहाँ पे 27वें का का है, निम्नलिखित रेखांकित पदों में से किसी एक में आपको विभक्ति का नाम बताना है। ठीक है, देखिए, रमा निर्धनाय वस्त्रम ददाति, तो निर्धनाय शब्द में आपसे विभक्ति पूछी गई है। तो इसको देखिए, आपको कुछ नहीं करना, प्रश्नोत्तर संख्या 27वें का क्या है, का वाला ना, तो आपको यहाँ पे 27वें का हेडिंग डालना है,
और पहला डाल के लिख देंगे चतुर्थी विभक्ति। यहाँ पे निर्धनाय मतलब रमा, निर्धनाय मतलब गरीबों के लिए वस्त्रम ददाति माने वस्त्र दे रही है, किसको, गरीबों के लिए यानी संप्रदान के लिए, तो चतुर्थी विभक्ति है यहाँ पे। अगला है सह नेत्राभ्याम पश्यति, नेत्राभ्याम मतलब नेत्रों के द्वारा देखता है, तो करण या से के द्वारा, यानी कि इसमें कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति, तो 27वें के का में दूसरा है तृतीय विभक्ति, ठीक है। अब देखते हैं अगला प्रश्न है सह ग्रामे वसति, वह गांव में रहता है, वसति माने गांव में रहता है, तो वह गांव में रहता है यानी में पर पे, यानी अधिकरण कारक सप्तमी विभक्ति, ठीक है, तो सप्तमी विभक्ति आप लोग लिख देंगे। ये चीज़ आपको आनी चाहिए, विभक्ति पहचानना नहीं आता तो इस पर ऑलरेडी वीडियो बनी है, जा करके देख लो। देखिए 27वें का खा, निम्न में से किसी एक पद में प्रत्यय आपको बताना है, पातुम पातुम, तो तुम से ही निकल रहा है तुमुन प्रत्यय, ठीक है, कौन सा प्रत्यय है, तुमुन, लेकिन इसको लिख करके भी बता रहा हूँ। देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 27 का खा आप डाल देंगे और पहला नंबर डाल के लिख देंगे तुमुन, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद दूसरा है दृष्टवा 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 त्वा 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 यानी अक्त्वा, इसमें भी निकल रहा है, ठीक है, प्रश्न ही आंसर आपको दे रहा है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होगा, अक्त्वा, दूसरा डाल के आप अक्त्वा लिख देंगे। अब देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है आपका सुता, सुता में भी निकल रहा है ता 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 है ना, तो यहाँ पर ता प्रत्यय है, ठीक है, तीसरा आपका ये आंसर हो गया। इस तरीके से 27वें का खा आपका हो जाएगा। 28वां है निम्नलिखित में से किसी एक का वाच्य परिवर्तन आपको करना है, तीन है लेकिन करना किसी एक का है, ध्यान देना, सबको करने में टाइम वेस्टिंग आप नहीं करेंगे, मैं यहाँ पे सब करवा रहा हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ रिविजन भी होता जाए। देखिए सह विभेति का आप वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर आप हेडिंग डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 28, ठीक है, 28वां है ना, पहला नंबर डाल के लिख देंगे सह को बदल देंगे तेन में और विभेति को बदल देंगे विभेते में, ये आंसर हो गया। अगला है रामः वेदम पठति, तो रामः को बदल दो रामेण में, ठीक है, वेदम को बदल दो वेदः में और पठति को बदल दो पठ्यते में, ठीक है, इसको लिखेंगे कैसे, यहाँ पे देख सकते हो रामेण वेदः पठ्यते, ऐसे आपको लिखना है। अगला है वयम जलम पास्यामः, तो वयम को बदल दो अस्माभिः में, जलम को बदल दो जलम में और पास्यामः को बदल दो पीयते में, ये आपका आंसर हो गया। और एक करेंगे और मात्र इतना लिखने के आपको तीन अंक मिल रहे हैं, देख लो संस्कृत का कमाल कि मात्र एक दो शब्द लिखोगे और तीन अंक मिल जाएंगे। देखिए अब आगे है निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं तीन वाक्यों का संस्कृत में आपको अनुवाद करना है, संस्कृत में पहला है मैं आँखों से देखता हूँ, तो इसका अनुवाद आप लिखेंगे अहम चक्षुषा पास्यामि, ठीक है। दूसरा है उसने रामायण पढ़ी, तो लिखेंगे सह रामायणम अपठत। अगला है वह ममता का स्मरण करता है, माता का स्मरण करता है, तो सह मातरम स्मरति। अगला है सड़क के दोनों ओर पेड़ हैं, तो लिखेंगे मार्गस्य उभयतः वृक्षाः सन्ति, ठीक है। अगला है पिता पुत्र के साथ आया, तो पिता पुत्रेण सह आगतः, इतना आपको लिखना है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों इसमें निबंध दिया गया है, आठ वाक्यों में आपको निबंध लिखना है, राष्ट्रीय एकता पर, हिमालय पर, सदाचार पर, अनुशासन पर, संस्कृत भाषा या महत्वम पर। ऑलरेडी मैंने सभी महत्वपूर्ण निबंध पढ़ा रखे हैं, चैनल पे जाइए सर्च कीजिए। निम्नलिखित पदों में से किन्हीं दो पदों का संस्कृत वाक्यों में आपको प्रयोग करना है, करने केवल दो हैं, दिए कितने गए हैं, पाँच दिए गए हैं, ठीक है, चलिए सब का बताते हैं। तो वयम का वाक्य प्रयोग आप कर सकते हैं, वयम विद्यालय गच्छामः, ठीक है। अगला है करोति, करोति का आप उपयोग कर सकते हैं सह नृत्यम करोति, मतलब वह नाच कर रहा है, ठीक है। अगला है परितः, तो परितः का आप कर सकते हैं विद्यालयः परितः वृक्षाः सन्ति, परितः माने होता है चारों ओर, परितः माने चारों ओर, उभयतः माने दोनों ओर, ठीक है। अभितः परितः समयानिक्षा पूरा देखिए। अगला है अदाय, ये बड़ा आ है आदाय, ठीक है, तो इसका कैसे करेंगे आप, चौराह धनम आदाय धावती, ठीक है। अब इसके बाद देखिए अगला है स्वस्ति, स्वस्ति का आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे प्रजाभ्या स्वस्ति, स्वस्ति माने कल्याण हो, स्वस्ति माने कल्याण हो, ठीक है, तो प्रजाभ्या स्वस्ति मतलब प्रजा का कल्याण हो, तो इस तरीके से आप इनका वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। और यहाँ से दोस्तों आज का ये पूरा पेपर मैंने आपको दिखा दिया, उम्मीद करता हूँ पेपर आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। यदि पेपर अच्छा लगा है और वीडियो भी अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें, ऐसे और भी मॉडल पेपर चाहिए तो वीडियो में कमेंट करते जाएँ, मैं प्रतिदिन आपको एक नया मॉडल पेपर हल करा दूंगा।